ईएमआई तो नहीं करना था, ठीक है, ईएमआई तो शो में कर रहा हूँ। मैं कभी किसी शो में कपड़े नहीं उतारे, इतनी पंगे हुए हमेशा, जब ऐसे सीन्स भी आए या कुछ ना कुछ करके मैं बच गया। कानों में छेद करवाने पर शराब से जो कभी कभी ओकेजनली वैसे सब बंद है जीवन में, स्पेशली से कम 4-6 महीने लग जाएंगे, फिर भी ऐसी आ पाएगी कि नहीं। और जितने लोगों ने देखा, लोग तो उनको बहुत पसंद आया। पहले मुझे लगा था मूंछ काफी बड़ी है, अब नहीं आ जाती, मुझे नहीं पता जनरली क्या हो रहा क्या नहीं, बट बड़ा अजीब सा लगता है देखने में, एक दूसरे की रेस्पेक्ट ही नहीं है कुछ। सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा तो ये नील और ऐश्वर्या लड़ते हैं। मैंने पब्लिक रिव्यू किया था। अच्छा। और लोगों ने जो भर भर के बोला है ना उनके लिए, देख लो कितनी मेहनत लग गया, 12 घंटे लगा रहता है यार। मेरे को बहुत सारे माइथोस के ऑफर आए, पहले मैं कभी नहीं किया ये। मैं दूसरा शो करने जा रहा था, ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ 3 दिन बाद मैं सेट पे बैठा था। स्टार्टिंग में शो आया था मेलबर्न, मैं कहा मेरे से बस की नहीं है, ये लोग ही थे, मैं इनको बोल के गया था। वो मेरा करना कोई बुला रहा, निखिल जी ने बुलवाया था तो मैं चला तो गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूँ, मेरे से हो गई नहीं। और रात को 2 बजे पैकअप हुआ और सुबह 11 बजे बुला रहे, मैं नहीं आऊंगा, मैं 12 के बाद वहाँ जा रहे हैं गुरुद्वारा के साथ। हाँ हाँ, करण आया और रिया मिले ना, ऐसा लगता था मुझे बहुत प्यारी थी, सुंदर सी, अच्छी सी लड़की, पर वो वास्तव में बहुत बदतमीज है। उसको बोलना ऐसा रिकॉर्ड कर लो, इसलिए मैंने बूम लगा दिया। रिया को बोलना मेरी तरफ से बहुत बदतमीज है। चल जाएगा, मतलब है हल्का बट टेढ़ा, बट ये 98-99% ही सीधा बनता है, 100% सीधा बनना तो इसका इम्पॉसिबल हो गया। इस शो के साथ सच में कुछ ऐसा हुआ है, मतलब अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, कैसे, मेरे को माइथो नहीं करना था, ठीक है, ये माइथो शो में कर रहा हूँ। मैं कभी किसी शो में कपड़े नहीं उतारे, इतनी पंगे हुए हमेशा, जब ऐसे सीन्स भी आए या कुछ ना कुछ करके मैं बच गया। इसमें मेरे कपड़े उतरे हुए, मुझे नायगांव शूट करने नहीं आना था, लास्ट शो मैंने किया था, मैंने जब कसम खाई थी यहाँ नहीं आऊंगा। ध्रुव तारा में क्या हुआ कि उनका सेट था फिल्म सिटी, वो बाई चांस यहाँ शूट करना पड़ा, इतना वहां पे सेट बना ना वापस, वो था हमें शूट बोल के कि 1 महीना ही करना है, करके 3 निकाल दिए। और पता नहीं शनिदेव ने कैसा मेरा घुमाया है, मैं सेट पे आके जब शूट कर रहा तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं शनिदेव कर रहा हूँ, मायतो कर रहा हूँ, बिना कपड़ों के नायगा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो है इस शो में, पर जितने हमारे को एक्ट्रेस है ना शो में, सुहासी हो, सूर्यदेव, सबकी कोई ना कोई शनि की महादशा चल रही है। किसी की 7.5 शुरू हुई है, किसी की वो चल रही है, मेरी कुछ शुरू हुई है।
सबकी कुछ ना कुछ चल रहा है। वो ना मैंने एक स्टोरी सुना था, भगवान शंकर को आके बता देते हैं कि आप पर शनि का दृष्टि पड़ने वाला है। शनि ने भी दृष्टि पड़ती है तो अपने बेटे को वो मिलने वाली स्टोरी जो मैंने सुनी है यहाँ पे अभी आएगी वो आगे शो में। वो डरावनी वाली होगी, सीरियस सीरियस वाली है ना, वही वाली है शायद गणेशा वाली, उसका काट देते हैं फिर सिर काट, फिर उसका वो लगता है। शनि देव के गुरु है वैसे शिव जी ना, और शनि देव भक्त है नारायण के। फर्स्ट एपिसोड इसका अभी तक का जो सस्टेन किया है इन्होंने, फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड उससे भी बेटर है। अभी मैं आधा कैरेक्टर में आया हूँ, मेरी आवाज आवाज भाव सब बदल जाएंगे, मैं कपड़े पहनने वाला उसके बाद। ये जो शनि की ज्वेलरी है ना, ये तब की है जब शनि सिर्फ शनि है, शनि देव नहीं बने। तो ये तपस्या से पहले, शनि देव बनने से पहले के हैं, गरीब शनि देव। शनि तो जब शनि देव बन जाएंगे जो फर्स्ट एपिसोड में देखा, उसके बाद की जो है सब ज्वेलरी और वो सब डिफरेंट है, बहुत हैवी है वो मुकुट। अभी मुकुट नहीं है, अभी वो गरीब है, अभी देव नहीं बने। तो इसमें मैं जब ये बात बोल रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं इंक्लूड नहीं हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पूरी टीम की कुल मिला के, इंक्लूडिंग अपने क्रिएटिव, इंक्लूडिंग पोस्ट में जो लोग अपना इफेक्ट्स बना रहे हैं, मेंटेन इतना अच्छा रखा है अब तक। प्लस आज के बाद इस शो जो देख लेगा वो शनिदेव में तो किसी और को इमेजिन नहीं करेगा। yeah. ये जनेब मोतियों वाली होती है, कानों में छिद्र करवाने को। आपने सच में करवाया है? मैं बोल रहा हूँ ना, जिस दिन से मैंने ये किया है शराब से, जो कभी कभी ओकेजनली वैसे सब बंद है जीवन में, स्पेशली छूट नहीं निकलता मुझसे। पहले क्या होता था, लेट आ रहे बोल देते थे बहाने, मेरे बहाने ऐसे होते थे जो लगते हैं सच। हाँ। सच बोल देता हूँ भाई, लेट निकला। और आप झूठ भी बोलोगे तो सच ही लगेगा। नहीं पर तो आप झूठ निकलता ही नहीं ना मुझसे। ये आ गया फाइनल लुक आई गेस, हमारे विनीत कुमार से ये लगने के बाद कम्प्लीटली बन गए भाई शनिदेव। yes. चलो हमारे सेट पे तो है जो मेरे भाई बने, या वो शनिवार को आके मेरी आरती उतारना चालू कर दिया उन्होंने। अब मैं बन गया हूँ पूरी तरह से शनि, और ना तो शनिदेव से और ना ही मुझसे डरने की कोई जरूरत है। बस अपने कर्मों पे ध्यान दो, अच्छे कर्म करते रहो, जो है निरंतर अच्छे कर्म करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि थक गए घबरा गए, बस करते रहो। जो मैं इतने दिन से सीख रहा हूँ ये शो करके, रिसर्चर्स ने जो लिखा है, मैं वही ज्ञान आपको दे रहा हूँ। अच्छे कर्म करते रहो, कभी बेकार नहीं जाएंगे। थैंक यू।